अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ फ़नी गिल। तो आज हम आए हुए हैं जी रॉयल ताज रेस्टोरेंट पे। उधर हमारे जो शाह जी बैठे हुए हैं, इनकी बर्थडे थी तो इन्होंने अंडों से बचने के लिए कहा जी मैं आपको अभी जो है ना जल्दी जल्दी पार्टी दे देता हूँ। ठीक है, नहीं अब तो शादी हो गई तो अभी हम इधर आए हुए हैं। इनके पर हेड के हिसाब से ही सिस्टम है, तो आपको टेस्ट भी करवाएंगे, चेक करवाएंगे किस तरह का ये है। हमारा भी फर्स्ट टाइम है इधर। ये मुरीद के से निकले गुजरावाला की तरफ, तो खोड़ी के पास आता है। इधर से अगर आप गुजरावाला से लाहौर की तरफ जाएं तो मुरीद के से थोड़ा सा पहले ही आ जाता है। तो सिटिंग वगैरह तो इनकी अच्छी है, अभी टेस्ट करेंगे, देखेंगे इनकी कौन कौन सी डिशेज हैं फिर बताएंगे। इन्होंने अपने बूफे लगाए हुए हैं, ये सिटिंग है साथ, तो ये इनके बूफे सिस्टम है। इधर से हम चलते जाएँ वहाँ से वहाँ तक जाएँ, जितने भी हमारे यानी कि कढ़ाई वगैरह और राइस सालन वगैरह जितने भी आ जाते हैं, इसमें गोश्त वगैरह आ जाता है, तो ये भी चेक करते हैं। ये सबसे पहले जी लिखा हुआ है जी मसाला राइस, तो इनको देख लेते हैं। देखने में तो मज़े के लग रहे हैं, चलें ये भी ट्राई करते हैं। उसके बाद आ जाएं जी, ये रेड ड्रैगन चिकन है, तो ये वाकई रेड ड्रैगन लग रहा है, रेड ड्रैगन चिकन। उसके बाद है जी ये वेजिटेबल चोमियन है ये मेरा एक दोस्त है, उसको बहुत पसंद है, बट वो अभी आया नहीं है, उसको बहुत मिस कर रहे हैं हम। वो होता तो उसने हर टाइम चोमू चोमू ही लगाई होती है अजीम साहब के लिए यही चीज़। उसके लिए ये बटर फ्राइड फिश है, मछली मज़े की। उसके बाद बात कर लें जी हम, ये चिकन बोटी है बारबेक्यू, जिसमें टिक्का बोटी है, ये मुझे सबसे अच्छा यही लगता है अगर चिकन की बात की जाए तो। उसके बाद ये चिकन कबाब आ जाते हैं, ये जी चिकन कबाब, ये बस मैं खुद नहीं ट्राई करता तो मुझे इतने अच्छे लगते। उसके बाद ये जी बीफ कढ़ाई, जो पैसे पूरे करवाती है आपके, हमारी नज़र में आप इसकी 2-3 प्लेटें खाओ आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। आगे ये जी पालक गोश्त है, पालक पनीर यानी, तो देखने में काफ़ी मज़े का लग रहा है पर हम इसको खाएंगे नहीं। उसके बाद ये जी हमारे पास है चिकन की हांडी बनी हुई है, चिकन हांडी, ये मज़े की, दिखने में मज़े की लग रही है। उसके बाद ये हमारे पास जी नान की रोटी, ये नान रोटी, ठीक है भाईजान। ये भाईजान साथ साथ हमारी सर्विस के लिए अवेलेबल है, कोई चीज़ इनको अगर इधर नहीं है बड़ी, फॉर एग्ज़ाम्पल कोल्ड ड्रिंक्स हैं तो वो अपने जाके वो किचन से लेके आते हैं, कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करना पड़ती है। उसके बाद ये कुछ स्वीट्स में हैं, रशियन सैलड है, मैक्रोनी वगैरह है, नीचे ये सैलड पड़ा हुआ है, रायता है, उसके बाद ये सॉस वगैरह पड़ी हुई है। उसके बाद ये पेस्ट्रीज हैं, तो पेस्ट्री जो मज़े की होती हैं। उसके बाद ये है जी ऑरेंज माउस, ऑरेंज माउस है जी, ये हम भी ट्राई करेंगे, पता नहीं क्या चीज़ है। उसके बाद ये जी नीचे कस्टर्ड, सवैयाँ, उसके बाद ये गाजर का हलवा, और गाजर के हलवे का आपको अगर दर्शन करवाया जाए तो मज़े का, बहुत ही मज़े का लग रहा है। और ये क्या चीज़ है, ये भी आई थिंक पक रही है कोई, अब इसका कंफर्म नहीं है, ये भी मज़े की होगी, अभी तक की जितनी भी चीज़ें हैं मज़े की। और एंड पे आपने सूप पीना है, तो ये जी इधर सूप के लिए उन्होंने लगाया हुआ है, आप आए सूप पिए मज़े से, अपनी मर्ज़ी का सूप बनाएं जिसमें आप मर्ज़ी से अपनी यानी कि रेड चिली और जितनी भी मिर्ची वगैरह हैं वो डालें जो भी है। तो ओवरऑल मुझे इधर का सिस्टम जो है बहुत अच्छा लगा है। सीटिंग वगैरह की बात कर लें, सर्विस की बात कर लें, तो प्राइस भी रीज़नेबल है। उसके बाद ये जी सबवे है, तो ये जो सबवे है जी, इधर इनका यानी कि अलग से ना सिस्टम है, ये इधर जो पर हेड के हिसाब से उसमें इंक्लूड नहीं है। वैसे आप इधर से यानी कि अपनी एक्स्ट्रा जो सर्विसेज हैं वो ले सकते हैं। खाना स्टार्ट किया है तो गुजराना से भाई हम सब ने,
गोश्त ये बिना यानी के खाना पसंद किया, इधर डॉक्टर साहब भी हैं, तो इन्होंने तो प्लेटें फुल फुल कर लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, राम राम से खाओ, कुछ नहीं होता इधर ही हो जब तक आप फुल नहीं होते। तो अभी डिशेज जो हैं बहुत सी हैं, आई थिंक 40+ हैं, तो हम टेस्ट करेंगे सारी, बताएंगे आपको, एंड पे इकट्ठे रिव्यू देंगे, सबसे लेंगे जी हाँ जी किस तरह का कौन सा खाना सबसे अच्छा लगा, कौन सा अच्छा नहीं लगा, या इधर का एक्सपीरियंस कहाँ था, कैसा था। Oh,